राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। संस्कृति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप ये जो हमारे पास पास है इसे देख के पहचान गए होंगे कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास पास है ये है श्री लवकुश रामलीला का, जो रेड फोर्ट पे होती है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ। तो ये देखिए कि ये हमारे पास पास है जो VVIP पास था, तो हमने गए। तो ये देखिए कि बाहर इस तरीके से भीड़ थी। आसपास तीन रामलीला होती है वहाँ पे। तो ये देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से भीड़ थी। और हम बस चल रहे थे। सबसे पहले एक नवयुवक रामलीला होती है और एक श्री धार्मिक रामलीला होती है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और एक लवकुश रामलीला होती है। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं रामलीला जहाँ हमें जाना था, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से टेंट बनाए हुए थे जिसमें पुलिस अच्छे से सबकी जो भी थे वो पुलिस पर्सनल जो थे वो हमारी चेकिंग कर रहे थे। और पूरी चेकिंग करने के बाद फिर हम अंदर गए। तो ये मेन एंट्री थी जो हमने ली। उसके बाद ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके से सजा हुआ था और अंदर बहुत बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे। तो आप ये देख ही पा रहे होंगे कि देखिए, और ये कलरफुल लाइट्स थी और इतना क्राउड था बहुत ही। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कि तीन तीन रावण के पुतले भी थे, तो इन तीनों पे रावण लिखा हुआ था। और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से स्टेज है। और स्टेज पे क्या है कि ये देखिए स्टेज पे ना सामने वो लगी हुई हैं, क्या कहते हैं उनको, हाँ वो मेरे दिमाग से निकल गया क्या कहते हैं, तो वो स्क्रीन्स लगी हुई थी जिसपे हम देख पा रहे थे और जिसपे पिक्चर्स चल रही थी पीछे। और ये भी था कि जो लोग पीछे से देखना पाते हैं उन वो उस स्क्रीन से देख लें। और ये देखिए कितना बड़ा झूला है, लाइट वाला झूला, और ये लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सब लोग थे, इतने ज़्यादा लोग थे, और लेकिन जो रामलीला थी वो बहुत ही अच्छी हो रही थी। तो आप ये देखिए कि जब हम गए उस टाइम पे, हम 9th नवरात्र वाले दिन गए थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे मेघनाथ वध का होना था और सुलोचना की सती का दिखाना था, तो वही हो रहा था। तो उससे पहले ये विभीषण का आ रहा था जिसमें विभीषण भगवान जी से बता रहे थे सब कुछ। और ये देखिए कि रावण के पुतले कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं और काफ़ी बड़े बनाए हुए थे। तो ये देखिए कि ये कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है। और ये देखिए कि साइड में क्या पंचवटी बनाई हुई है और बहुत ही सुंदर स्टेज बनाया हुआ था। और सामने इस तरीके से ये सब चीज़, ये लोग खड़े हुए थे जो हम टीवी पर टेलीकास्ट देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं। देखिए मैंने बीच बीच में जो मेन ऑडियो है ना, जो डायलॉग डिलीवरी की थी, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। और हालांकि हम लोग ज़्यादा आगे नहीं थे, हम लोग मीडियम थे, तो हम अच्छे से देख पा रहे थे चीज़ों को। तो आप ये देखिए इस तरीके से। और ये क्रेन से ना, मतलब जो सेना थी ना उनकी, जो रावण की साइड की सेना थी, तो उन लोगों को ऊपर ले जाने का भी मतलब बंदोबस्त इन लोगों ने किया हुआ था। इतना अच्छा लग रहा था देख के, इतना एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो ये देखिए कि मतलब मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाने की कोशिश की, देखिए ये मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ना, ये क्रेन से क्या था, ये मतलब सोफा टाइप था ये, तो इसमें भी लोग आ रहे थे और इस साइड भी, क्या कहते हैं, इस साइड भी लोग खड़े हुए थे और वो आ रहे थे। मतलब अभी दिखाऊंगी, मैंने वो भी शूट किया था, मैंने सोचा था आप देख पा रहे हैं तीन लोग खड़े हैं, ऐसा लगता है स्टैचू खड़े हैं, लेकिन स्टैचू नहीं है, असल में वो लोग हैं। वो मतलब इस तरीके से कर्तव्य दिखा रहे थे बोले तो, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और कलरफुल मतलब पीछे से ना, मतलब आसमान काला काला हो गया था, रात हो गई थी तो आसमान काला था और ऊपर से वो देखो रंग बिरंगी लाइट्स इतनी अच्छी लग रही थी। और वो ऐसा लग रहा था जैसे हम बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू से, वो जो स्पाइडरमैन आता है हाथ ऊपर करता है नीचे करता है, वैसा बिल्कुल लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए पहले तो भूल जाएगी, अब के तू कमाएगा।
था दोनों के डायलॉग डिलीवरी मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। रंबू जब छोटे थे तब हम जाया करते थे, है वही शक्तिशाली चक्मे जो नम्र भाव देखा जाता है। हलवाला प्रिंस देखो तो नीचे को झुकता जाता है, सबके मन को भाती है बकरी जो मह मह करती है, वो गले छुरा चलवाती है। अरे ओ तपस्वी, बहुत ही अच्छा लगता है, रण भूमि है, क्लियर तो हम बोलते भी नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं और क्या हुआ था बीच में तो ये ऊपर भी चले गए थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इनका वो जो स्टेज बनाया हुआ है पीछे से, ये जो रेड रेड दिख रहा है और ऊपर जो है इसका, उसमें भी चले गए थे ये बीच लड़ने के लिए। और पहले हमें लगा कि पता नहीं कहाँ गए बोले, बट फिर हमने देखा बड़ा अच्छा लगा जब हम लोग ऊपर पहुँच गए थे लड़ने के लिए। और अच्छे से मतलब दोनों ही जो कैरेक्टर हैं बहुत अच्छे से कर रहे थे। पूर्वे साध्याः दंति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसज्यताय नमो वैष्णवाय पूर्वहि तमे कामा काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवो ददातु ओम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ओम कि हम जब लौट रहे थे तो मैंने पास से रावण का फोटो लिया और थोड़ा सा शूट किया, जिसमें यहाँ पे मतलब फ़ोटो भी खिंचा रहे थे लोग और कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मैंने पूरा राउंड करके वीडियो शूट किया और फिर हम निकल गए बाहर की तरफ। और ये देखिए लास्ट में, बस इसी के साथ अब हम अगली वीडियो में, बाय बाय।